गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम सुपर क्लास पाइसेज के अंदर जो क्लास कॉन्ड्री चीट्स है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले जो प्लैकोडर्मी था क्लास, हमने वहाँ तक पढ़ लिया था। अब जो मेन क्लास है हमारे पास, जो एनसीईआरटी सिलेबस में है आपके, वो है क्लास कॉन्ड्री चीट्स, ठीक है। और कॉन्ड्री चीट्स को द कार्टिलेजिनस फिशेज भी बोला जाता है, द कार्टिलेजिनस फिशेज। ठीक है, द कार्टिलेजिनस फिशेस, क्यों? क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है, इसलिए इनको कार्टिलेजिनस फिश भी बोला जाता है। और वैसे जो कॉन्ड्रीचीट्स है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें कॉन्ड्रो जो मतलब है, यहाँ कॉन्ड्री जो वर्ड लिया गया वो किससे लिया गया है? कॉन्ड्रोस से लिया गया है। और कॉन्ड्रोस का जो मतलब होता है वो होता है कार्टिलेज। क्या मतलब है? कार्टिलेज मतलब है, ठीक है। इसी तरह से आईचीएस जो मतलब है, मेन वर्ड जो है आईचीएस, इससे मतलब होता है फिश, इसका मीनिंग होता है फिश, ठीक है। तो ये कॉन्ड्रीचीट्स ग्रीक वर्ड है, जिसमें कॉन्ड्रोस कार्टिलेज और इचीज मतलब यहाँ पर फिशेज है, आईचीज यहाँ पर फिश होती है, ठीक है। अच्छा, तो इस कॉन्ड्रीचीट्स में लगभग 1000 लिविंग स्पीसीज हैं, कंटेन्स अबाउट मोर देन 1000, मतलब 1000 से भी ज़्यादा इसमें स्पीसीज है, ठीक है। कंटेन्स अबाउट मोर देन 1000 लिविंग स्पीसीज, 1000 लिविंग स्पीसीज से ज़्यादा इसके अंदर स्पीसीज है। अच्छा, इसके बाद भाई इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं हम, किस क्लास के करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रीचीट्स फिशेज, तो सबसे पहले तो हम इसका जो एंडोस्केलेटन है उसकी बात करते हैं कि एंडोस्केलेटन इसका किसका बना होगा। एंडोस्केलेटन जो है वो बना होता है इनका कार्टिलेज का, ठीक है। एंडोस्केलेटन किसका है? कार्टिलेजिनस है, हम कहें कि कार्टिलेज का बना होगा, कार्टिलेज का बना। एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज का। और इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट रहती है और वर्टिब्रे कंप्लीट और सेपरेट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, ठीक है। वर्टिब्रे जो है वो कंप्लीट और सेपरेट हैं, वर्टिब्रे कंप्लीट एंड सेपरेट, कंप्लीट एंड सेपरेट ये होता है। इसके अलावा भाई माउथ जो है इनका वो किस पोजीशन पे है वो देखना है। माउथ, माउथ जो होता है वो वेंट्रल है, इट इज़ वेंट्रल, टर्मिनल नहीं है, थोड़ा सा जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड जो है उसमें प्रेजेंट है माउथ, इसलिए इसको क्या है, माउथ कैसा है? वेंट्रल, वेंट्रल माउथ है, ठीक। टीथ जो है यहाँ पर, टीथ आर एक्रोडोंट, टीथ आर एक्रोडोंट, टीथ कैसे हैं? एक्रोडोंट हैं। और मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स हैं, मतलब टीथ जो डेवलप हुए हैं वो प्लेकोइड स्केल से डेवलप हुए हैं, ठीक है। टीथ कैसे हैं, किससे डेवलप हुए हैं? प्लेकोइड स्केल से, मतलब प्लेकोइड स्केल की मॉडिफिकेशन है टीथ, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद और एक्रोडोंट टीथ क्या होते हैं? एक्रोडोंट टीथ होते हैं टीथ अटैच्ड टू फ्री सरफेस ऑफ जो बोन। ठीक है, एक्रोडोंट टीथ उन टीथ को बोला जाता है जिनमें तो एक्रोडोंट टीथ उन टीथ को बोला जाता है जो जो बोन के फ्री सरफेस पे अटैच रहते हैं। ठीक है, और भी कई टाइप के टीथ होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे फिर, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो टीथ हैं इनके अंदर और कॉन्ड्रीचीट्स में वो किसकी मॉडिफिकेशन है? प्लेकोइड स्केल्स की मॉडिफिकेशन है। स्केल के टाइप पढ़ेंगे हमें इसके बाद में कि स्केल्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो स्केल्स होंगे वो जो प्लेकोइड स्केल्स हैं वो होते हैं। ठीक है, तो प्लेकोइड स्केल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें अभी। ठीक है, इसके बाद भाई स्नाउट जो है इनका कॉन्ड्रीचीट्स में फिशेज का जो स्नाउट है वहाँ पर जेली फिल ट्यूब्स होती हैं जिनको हम एम्पुले ऑफ लॉरेंजिनी बोलते हैं, और उस ट्यूब में जो टर्मिनल रीजन है, उन ट्यूब का जो टर्मिनल रीजन है उनमें सेंसरी सेल्स होती हैं जो ऑस्मेटिक पोटेंशियल, सैलिनिटी और टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है आपको, स्नाउट कंटेन्स जेली फील्ड ट्यूब्स। स्नाउट जो होता है उनका, उसमें जेली फील्ड ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स को नाम दिया है एम्पुले ऑफ लॉरेंजिनी। ठीक है, उन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? एम्पुले ऑफ लॉरेंजिनी। ये शायद साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इनका नाम ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, लॉरेंजिनी, एम्पुले ऑफ लॉरेंजिनी बोला जाता है। और इन्हीं ट्यूब का जो एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन ऑफ दीज ट्यूब्स पोजेज सेंसरी सेल्स। ठीक है, एंटीरियर रीजन ऑफ दीज ट्यूब्स पोजेजेस सेंसरी सेल्स। ठीक है, और ये सेंसरी सेल्स जो हैं वो ऑस्मेटिक पोटेंशियल को डिटेक्ट करती हैं, सैलिनिटी को डिटेक्ट करती हैं, और जो टेम्परेचर होता है उसको डिटेक्ट करती हैं। पोजेज सेंसरी सेल्स दैट कैन डिटेक्ट ऑस्मेटिक पोटेंशियल ठीक है, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कितना है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन कितनी है, ऑस्मेटिक पोटेंशियल कैसा है, ये सब कौन सेंस करता है? इस एम्पुले ऑफ लॉरेंजिनी में सेंसरी सेल्स हैं एंटीरियर रीजन पे, वो सब ये डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद भाई तो नेक्स्ट जो इनका फीचर है वो है, नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक देखें तो हम फिन्स की बात करते हैं। फिन्स कैसे हैं इनके पास में? ठीक है, फिन्स जो है वो जो पेयर्ड फिन्स हैं वो ब्रॉड हैं। ठीक है, पेयर्ड फिन्स आर ब्रॉड, बड़े हैं, आर ब्रॉड, बड़े हैं। ठीक है, और कॉडल फिन जो है इनकी वो हेट्रोसर्कल है, ये आपको याद रखना है। ये डिफरेंस है इनका कॉन्ड्रीचीट्स और ऑस्टीचीट्स के अंदर, डिफरेंस है ये कि यहाँ कॉडल फिन जो है वो हेट्रोसर्कल, और आगे जो हम पढ़ेंगे उनमें होमोसर्कल होंगे, हेट्रोसर्कल कॉडल फिन। कॉडल फिन जो है वो कैसी है? हेट्रोसर्कल है। ठीक है, और हेट्रोसर्कल ये हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, एक जैसे नहीं दिखते हैं वो कॉडल फिन जो होंगे, लास्ट में जो फिन्स होंगे वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, छोटे बड़े हैं वो, शेप जो है उनकी
अलग अलग दिखती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसके बाद भाई स्केल्स। ठीक है, स्केल्स ये हम कहें एक तरह से एक्जोस्केल्टन। तो एक्जोस्केल्टन स्केल्स इनके किसके बने होंगे, कौन से स्केल होंगे यहाँ पर, प्लेकोइड टाइप के स्केल होंगे। स्केल्स कैसे होंगे, प्लेकोइड स्केल्स होंगे। बॉडी कवर्ड बाय प्लेकोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल्स होंगे। तो प्लेकोइड स्केल कैसे होते हैं, और भी कई टाइप के स्केल्स होते हैं, वो हम डेटा जस्ट के बात पढ़ेंगे। तो स्केल्स, बॉडी कवर्ड बाय प्लेकोइड स्केल्स, या हम कहें कि प्लेकोइड स्केल कवर द बॉडी। और ये स्केल्स ही क्या हैं, एक्जोस्केल्टन है। ये क्या है, एक्जोस्केल्टन। एंडोस्केल्टन हमने पढ़ लिया, एक्जोस्केल्टन क्या है, यहाँ पर स्केल्स हैं। और स्केल के कौन से टाइप हैं, प्लेकोइड स्केल्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होगी इनकी, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ है, और उसके बाद एनस तो नहीं है लेकिन क्लोइका है। तो दो ओपनिंग है, और दो ओपनिंग है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसमें एक फूड इंजेस्ट करने के लिए और एक जो वेस्ट मैटर को पास आउट करने के लिए। ठीक है, तो इंटेस्टाइन जो इनकी है भाई, वो भी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है उसमें। इंटेस्टाइन में स्पाइरल वाल्व है, या जिनको हम स्क्रोल वाल्व भी बोलते हैं। और ये वाल्व जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इंटेस्टाइन हैव स्पेशल या स्पाइरल वाल्व, स्पेशल स्पाइरल वाल्व, ये स्पाइरल वाल्व होते हैं, और या इनको हम स्क्रोल वाल्व भी बोलते हैं, स्क्रोल वाल्व। ठीक है, और ये स्क्रोल वाल्व या जो ये स्पाइरल वाल्व हैं, वाल्व हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, क्लोइका प्रेजेंट होती है यहाँ पर। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग है, ठीक है, वो एक चैम्बर में होती है, और जहाँ पर सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की ही नहीं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी भी ओपनिंग है, तो उसको टोटल क्या बोलते हैं, क्लोइका बोलते हैं। ठीक है, क्लोइका इज प्रेजेंट, और इसके थ्रू ही वेस्ट मैटर जो है बॉडी से पास आउट होगा। इसके थ्रू ही जो गैमेट्स हैं वो डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, रिसीव किए जाएंगे, और एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है उसको भी यहीं से पास आउट किया जाएगा। ठीक है, तो क्लोइका क्या होता है, क्लोइका इट इज़ कॉमन अपर्चर। ठीक है, कॉमन अपर्चर फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के लिए एक ही कॉमन अपर्चर है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मेल्स जो होते हैं उनके ऊपर एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसको हम क्लेस्पर बोलते हैं। मेल्स हैव क्लेस्पर्स, और ये क्लेस्पर जो है वो क्या है। ठीक है, ये क्लेस्पर कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसके थ्रू गैमेट जो डिस्चार्ज किए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। क्लेस्पर कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये आपको पता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो गैमेट्स को फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज करेगा। जैसे ह्यूमन बींग में पेनिस होता है, इसी तरह यहाँ पर क्या है, क्लेस्पर्स हैं।
ठीक है, मेल ह्यूमन बीइंग में जैसे पेनिस होता है गैमेट को डिस्चार्ज करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर जो है वो क्लैस्पर्स हैं गैमेट को डिस्चार्ज करने के लिए फीमेल बॉडी के अंदर। और ये पेल्विक फिन जो है वहाँ उसके नज़दीक प्रेजेंट होंगे, क्लैस्पर्स इन द रीजन ऑफ पेल्विक फिन्स। इन द रीजन ऑफ पेल्विक फिन्स, ठीक है, पेल्विक फिन्स का जो रीजन होगा उसके नज़दीक होंगे ये क्लैस्पर्स। ये भी इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, एक डिफरेंस है इनमें और जो ओस्टिचिड्स होंगे उनके अंदर। इसके बाद भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पता है कि फिशेस के अंदर जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो किससे होता है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, यहाँ गिल्स हैं। और गिल्स कितने हैं, गिल्स कितने हैं, गिल्स आर 5 to 7 पेयर, 5 to 7 पेयर गिल्स हैं यहाँ, गिल्स आर 5 to 7 पेयर। लेकिन गिल्स जो हैं वो कवर्ड नहीं है, एक कवरिंग होती है वो इनके पास नहीं है, जिसको हम ओपरकुलम बोलते हैं। तो गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम, ठीक है, नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम, ओपरकुलम। लेकिन एक फिश होती है, ठीक है, एक फिश है जिसमें जो गिल्स हैं वो ओपरकुलम से कवर्ड है। एक फिश है बेटा, उसको फिश, उस फिश का नाम आपको याद रखना है, इसी में जो कोंड्रीचीट्स है उसके अंदर एक फिश है, काइमेरा, काइमेरा फिश जो है उसमें गिल्स जो हैं ओपरकुलम से कवर्ड है, काइमेरा फिश, फिश काइमेरा, गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये एक फिश है, ये एक्सेप्शन है इसमें, एक तरह से इस कॉन्डिचीट में ये एक एक्सेप्शन है जिसमें गिल्स जो हैं वो गिल ओपरकुलम से कवर्ड है। बाकी किसी और फिश में यहाँ कॉन्डिचीट्स में जो गिल्स हैं वो ओपरकुलम से कवर्ड नहीं है, लेकिन ये काइमेरा जो फिश है उसमें गिल्स जो हैं वो ओपरकुलम से कवर्ड है। और इस काइमेरा फिश को फॉसिल फिश भी बोला जाता है, इस काइमेरा को और क्या बोला जाता है, फॉसिल फिश बोला जाता है इसको, ये काफ़ी पुरानी फिश है ये, ठीक है, काइमेरा, नहीं नहीं सॉरी 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 भाई, इसको नहीं बोला जाता है काइमेरा जो है, इसको फॉसिल फिश नहीं बोला जाता है, वो क्लेमेटियस थी जिसको फॉसिल फिश बोला जाता है। हाँ, ये आपको याद रखना है कि काइमेरा में जो ओपरकुलम है वो गिल्स से कवर्ड है, सॉरी, इसको फॉसिल फिश इसको नहीं बोला जाता, वो क्लेमेटियस जो है उसको बोला जाता है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी फिश है क्लेमेटियस, प्लेकोडर्मी में जिसने जिसको हमने पढ़ा था, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम करैक्टरिस्टिक इसका, ठीक है, इनके पास स्विम ब्लैडर भी नहीं होता है भाई, स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट, ठीक है, कॉन्ड्रीचीट्स के पास में जो स्विम ब्लैडर है वो नहीं होता है, स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट। और स्विम ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से इनको कंटिन्यूसली लगातार अपनी बायंसी को मेंटेन रखने के लिए स्विमिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो सो दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉयंसी, ठीक है, ये अपनी बॉयंसी को रेगुलेट नहीं कर सकते बगैर स्विमिंग के,
तो इन्हें इसके लिए लगातार क्या करना पड़ता है, स्विमिंग करनी पड़ती है। दे स्विम कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ, ये याद रखना है। दे स्विम कंटिन्यूसली, दे स्विम कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ मतलब इनको पूरी लाइफ स्विमिंग करनी पड़ती है लगातार कंटिन्यूसली। अगर एयर ब्लैडर हो, स्विम ब्लैडर होता तो इसमें हवा भर के और अपनी बॉडी को ऊपर लेके आ सकते थे या एक जगह पर ये कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रख सकते, लेकिन इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं है इसलिए इनको लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है थ्रू आउट लाइफ। अच्छा भाई, ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हार्ट विनस है और टू चैम्बर्ड है। हार्ट कैसा है, विनस एंड टू चैम्बर्ड, ठीक है। हार्ट जो होगा उसमें दो चैम्बर होंगे और विनस हार्ट होता है। विनस हार्ट मतलब हार्ट में जो हार्ट जो है उसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पर नहीं आता है। विनस हार्ट की ब्लड रिसीव ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट रिसीव ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस हार्ट में जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए उसको हम वीनस हार्ट बोलते हैं। और हार्ट में सिर्फ दो ही चैम्बर हैं और दो चैम्बर में वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल है। एक ओरिकल है और एक यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। हार्ट में दो चैम्बर होंगे और दो चैम्बर में एक ओरिकल और एक जो है वो वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऐसे इनका हार्ट जो है वो इस तरह से होता है, उसमें सिर्फ दो ही चैम्बर ऐसे आपको नज़र आते हैं। ऐसा ओपनिंग होगी, ऐसा यहाँ ओपनिंग होगी, ठीक है। एक यहाँ जैसे ये ओरिकल और ये होगा वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से हार्ट होगा उनका, ये एक चैम्बर और ये एक चैम्बर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड जो है आरबीसी जो है उस वो ओवल हैं और बाइकन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड, ठीक है। आरबीसीज ओवल, बाइकन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड हैं। आरबीसीज में न्यूक्लियस होगा, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, जबकि मैमल्स में जो आरबीसीज हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस होता है आरबीसीज के अंदर, ठीक है। सेप ओवल है, बाइकन्वेक्स है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हम नर्वस सिस्टम जो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं बेटा। नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनका, उसमें ब्रेन, और ब्रेन जो है, ठीक है, उस ब्रेन के अंदर लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं और उनका सेरेब्रम भी काफ़ी लार्ज है, ठीक है। बियर्स लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब, और ऑल्फैक्टरी लोब लार्ज होने की वजह से इनकी स्मेल करने की जो पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है। शार्क जो है वाटर में अगर ब्लड कहीं मिक्स हो गया है किसी एनिमल का, किसी ह्यूमन बीइंग का, अगर कट से ब्लड उसमें चला गया है वाटर के अंदर, तो शार्क उसको काफ़ी जल्दी सेंस स्मेल कर लेती है कि ये ब्लड है और उसी तरफ फिर वो चल पड़ती है। तो ऑल्फैक्टरी लोब का इनको फ़ायदा है कि इनकी स्मेल करने की जो पावर है वो
काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में एंड ए लार्ज सेरेबेलम, और एक जो इनका सेरेबेलम है ब्रेन का ही पार्ट है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो एंड लार्ज सेरेबेलम, ठीक है, काफ़ी बड़ा सेरेबेलम होता है। और इसके अलावा भाई 10 pair क्रेनियल नर्व्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं? 10 pair क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। 10 pair, ये आपको याद रखना है कितने पेयर है, 10 pair। ये कई बार डिफरेंसेस में लिखे जाते हैं ऐसे, ठीक। इसके अलावा लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, काफ़ी अच्छे से लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स इनके डेवलप्ड हैं, जिससे ये अपने सराउंडिंग को सेंस करते हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड। इसके बाद भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर क्या है, किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी कितने हैं? 1 pair, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी, और किडनी का नंबर कितना है? 1 pair, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और अमोनोटैलिक हैं, ठीक है। अमोनिया जो है इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है। अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है भाई, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट बेटा यहाँ अमोनिया नहीं, यहाँ पर क्या है, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक हैं ये, यूरिया है इनके पास में, ठीक है। यूरिया इज चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। हाँ, लेकिन जो बोनी फिशेज आएंगी, ओस्टिचीट्स आएंगे, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो अमोनिया होगा, वो अमोनोटेलिक होंगे, ये यूरियोटेलिक हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखते जाने हैं अभी, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब हम इन डिफरेंस को साथ के साथ में ही आपसे पूछते जाएंगे, साथ के साथ ही इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो यूरिया इज़ द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा। इसके बाद भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि असेक्सुअल तो यहाँ होता नहीं है अब, तो इसलिए हम सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि कैसे हैं ये, यूनिसेक्सुअल है, कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा है, इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं इसमें फीमेल एनिमल्स बोलते हैं, और वो ओविपैरस हैं, और कुछ एक जो है वो ओविपैरस हैं, ठीक है। ओविपैरस और ओवोविविपैरस, ठीक है, ओविपैरस होंगे या ओवोविविपैरस होंगे, कुछ ओविपैरस हैं, कुछ ओवोविविपैरस भी हैं, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है भाई, कहीं लार्वा की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, डेवलपमेंट डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली जो मैराइन फिश, जो कार्टिलेजनस फिशेज हैं वो मैराइन हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर प्रीडेटर्स, ठीक है। मोस्टली कैसे हैं, मैराइन, ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम आर प्रीडेटर, मोस्टली मैराइन एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रीडेटर, एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रीडेटर्स, जिसमें शार्क का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, शार्क जो है, शार्क फिश जो है वो इसी के अंदर आती है, इसी क्लास में आती है।
ठीक है। और कैसे होते हैं ये, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, ठीक। कुछ एक एग्जांपल हैं जो हम अभी लिख रहे हैं कि कौन कौन सी फिशेज इसमें होती हैं, वो नाम आपको याद रखने हैं। एग्जांपल जैसे स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन, और स्कोलियोडॉन को क्या बोला जाता है, द डॉग फिश, या आप याद रखेंगे नाम डॉग फिश, या इसको इंडियन शार्क भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको, इंडियन शार्क भी बोला जाता है। फिर जैसे और है टॉर्पीडो, ठीक है, टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है, द इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। ट्राइगोन, ट्राइगोन को कॉमन नेम क्या है, स्टिंग रे, स्टिंग रे, ठीक है। इलेक्ट्रिक रे जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक मारती है, उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है और उसके नज़दीक आने वाले ऑर्गेनिजम्स को ये इससे दूर भगाती है, या इससे अपना ये इलेक्ट्रिक शॉक जो जनरेट करती है वो अपने आप को बचाने के लिए होता है, और इससे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म इसके नज़दीक आते हैं ये उनसे अपने आप को बचा लेती है, जो एनिमीज जो हैं इनके, जो प्रीडेटर्स हैं इनके, उनसे अपने आप को बचाने का काम करते हैं ये इन इस इलेक्ट्रिक ऑर्गन से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पर ये जनरेट करती हैं, ठीक है, उसमें लग 30 से 35 वोल्ट का जो कनरेट है, जो करंट है वो जनरेट कर सकती हैं, जनरेट 30 to 35 वोल्ट, 30 to 35 वोल्ट करंट को ये जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक रे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, और लगभग कितने वोल्ट का, 30 से 35 वोल्ट का, तो एक अच्छा खासा झटका इससे हमें, या ऑर्गेनिज्म जो इनके एनिमल जो दूसरे इनके नज़दीक आता हमको लग सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और स्टिंग रे है, इनके पास स्पेशल स्पाइंस हैं, स्टिंग है, ठीक है, जिससे ये उस स्टिंग को अपने एनिमी जो है या जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है, और उससे अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई और कौन से फिश हैं, जैसे एक है प्रिस्टिस, प्रिस्टिस फिश है, और इसको क्या बोलते हैं, शार्क फिश बोलते हैं इसको, शार्क फिश। इसकी जो मुंह है, माउथ जो है इसका, बिल्कुल शार्क की तरह है, आरा जो होता है, आरी जो होती है उसकी तरह से नज़र आता है इसका, ठीक है। और एक है काइमेरा, और काइमेरा जो है उसको नाम दिए गए हैं कई, काइमेरा, इसको रैबिट फिश भी बोला जाता है, ठीक है, और काइमेरा को राइट या घोस्ट फिश भी बोला जाता है, रैबिट फिश या घोस्ट फिश भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें गिल्स जो हैं वो ऑपरकुलम से कवर हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस काइमेरा में जो गिल्स हैं वो गिल कवर से, या हम कहें गिल कवरिंग है, या ऑपरकुलम जो है उससे कवर्ड है, ठीक है। और भी हैं जैसे रिनोबेटस, द गिटार फिश, कई सारे फिश हैं यहाँ पर, रिनोबेटस, रिनोबेटस द गिटार फिश, गिटार फिश, ठीक है। जिगेना, जिगेना को क्या बोला जाता है, हैमर हेडेड फिश, हैमर हेड फिश, ठीक है, हैमर हेड फिश, फिश का जो हेड है वो बिल्कुल हैमर की तरह है, ठीक है, इसलिए इसको हैमर हेड फिश बोला जाता है। और एक है कार्कोरडॉन, कार्कोरडॉन, और कार्कोरडॉन जो उसको ग्रेट वाइट शार्क बोला जाता है,
ग्रेट व्हाइट शार्क बोला जाता है इसको, ठीक है। काफ़ी बड़ी फिश होती है ये, काफ़ी बड़ी फिश है और साइज काफ़ी बड़ा होता है इसका, ठीक है। तो ये थे भाई कुछ फिशेज जो हैं इनके नाम, ठीक है, एग्जांपल। और शायद कॉर्काडोरन का पहले साइज हम लिख चुके थे, 11 से 12 मीटर इसकी लेंथ होती है, वेट जो है वो 300 से 3300 किलोग्राम इसका वेट हो सकता है, ठीक है। काफ़ी बड़ा साइज होता है इस ग्रेट वाइट शार्क का, ठीक है। मतलब कितना है लेंथ जो है इसकी, लेंथ कितनी है इसकी, 11 से 12 मीटर तक इसकी लेंथ होती है भाई। वेट की अगर हम बात करें यहाँ, तो वेट जो है इसका कितना है, 3000 से लेके और 3300 तक, सॉरी 3000 से लेके 3300 तक इसका वेट हो सकता है, किलोग्राम वेट होता है इसका, ठीक। तो ये थे कुछ कॉन्ट्रीचीट्स के एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो कुछ एक डायग्राम है वो स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ये है स्कोलियोडॉन द डॉग फिश, और स्कोलियोडॉन द डॉग फिश के अंदर ये इसमें कुछ फिन्स हैं, ये इसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है, उस पर फिन्स प्रेजेंट है। तो वो फिन्स देख लेना हमें कौन कौन से बेटा। सबसे पहले तो ये लाइन देखते हैं बीचों बीच, जो एक लाइन है ये है लेटरल लाइन, ठीक है। और इसी लाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, ठीक है। माउथ ये है, यहाँ पर माउथ जो है वो नीचे की साइड में है, जो वेंट्रल अभी लिखा था हमने वेंट्रल माउथ, तो ये वेंट्रल माउथ है नीचे की साइड में, वेंट्रल साइड में, ये डोर्सल साइड हो गई, ये उसकी वेंट्रल साइड हो गई है, ठीक है। ये यहाँ स्नाउट है उसका, ठीक है। और ये एम्पुलरी पोर्स हैं, जो ट्यूब्स हमने पढ़ी थी एम्पुले ऑफ लोरेंजिनी, ये उनकी ओपनिंग्स हैं यहाँ से, ठीक है। ये आईज, यहाँ पर आईज हैं, ये आई है एक दूसरी साइड, एक दूसरी साइड में हो गई, एक इधर साइड में है। यहाँ पर ये छोटा सा पोर जो है वो नोस्टिल है। ये जो आपको छोटे छोटे ओपनिंग दिख रही हैं, ये क्या हैं, गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। गिल्स की ओपनिंग है, गिल स्लिट्स। ये जो फिन है वो कौन सी है, पेक्टोरल फिन है, ठीक है। ये जो फिन होगी यहाँ पर पेल्विक फिन होगी, ठीक है। ये जो है वो वेंट्रल फिन है, और ये जो फिन है वो कौन सी है, कॉडल फिन है। और कॉडल फिन हमने हेट्रोसर्कल लिखा है, देखिए एक जैसी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये अलग शेप में है, यहाँ से ये थोड़ा सा अलग शेप में हो जाती है, तो ये एक जैसी नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखा है, हेट्रोसर्कल लिखा है, ठीक है। ये जो फिन्स हैं ये कौन से हैं, ऊपर डोर्सल फिन्स हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है उसमें को नज़र आ रही है डायग्राम में, ये डॉग फिश का डायग्राम है, ठीक है। ये जो है वो हैमर हेडेड फिश है, हैमर हेड फिश शार्क, या हैमर हेड फिश जो है वो है ये उसका हेड है, और जो बिल्कुल हैमर की तरह हमें नज़र आ रहा है, थोड़े की तरह हमें नज़र आ रहा है। इधर दोनों साइड में आईज है, ये इधर आई है, ये इधर एक आई, आँख इधर है, एक आई एक आँख इधर है, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, कॉडल फिन एक जैसे नहीं है, ये बड़ा है फिन्स, ये छोटे फिन्स हैं, इसलिए हेट्रोसर्कल लिखते हैं। ये पेल्विक फिन, ये पेक्टोरल फिन, ये लेटरल लाइन है यहाँ पर, ये डोर्सल फिन हो गई है, और ये जो पेल्विक सॉरी जो डोर्सल फिन जो है पेयर में है वो है, ये डोर्सल साइड में जो है, ठीक है। ये इधर ये वेंट्रल फिन है यहाँ पर। तो ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, एक हैमर हेड फिश की है। इसके अलावा इसमें ये जो फिश है वो कौन सी है, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे जो है वो है, और ये जो है वो क्या कौन सी है, ट्राइगोन द स्टिंग रे है। यहाँ पर इसमें ये जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, जिनसे ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो डोर्सल फिन है, कॉडल फिन्स हैं, ठीक है। और इधर ये जो है ये कौन से फिश है, ट्राइगोन, इसको स्टिंगरे भी बोला जाता है। ये जो फिन्स हैं उसकी, ये कौन से फिन्स हैं, यहाँ पेक्टोरल फिन्स हैं। ये आईज हैं यहाँ, ये स्पायरेकल्स हैं, ये इधर पेल्विक फिन है, और ये छोटा सा जो ये ऑर्गन आपको दिख रहा है, क्लैस्पर, ठीक है, जिसको हम कोपलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, मेल कोपलेटरी ऑर्गन है, और ये पूरी टेल है, और यहाँ पर ये स्पाइन है इसके, जहाँ से ये अपने आप को बचाव करती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टिंग रे बोला जाता है। ये स्पाइन्स यहाँ पर, ये इसकी कॉडल फिन है, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम है कॉन्ट्रीचीट्स के, ये आपको नोटबुक में बनाने हैं, और पूरा ये जो क्लास है उसको याद रखना है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है इनका, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है इनका, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, लेटरल मसल्स हैं, लेटरल मसल प्लेट्स जो हैं
ठीक है, उनकी मॉडिफिकेशन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन इलेक्ट्रिक रे के अंदर, और ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनका, ठीक है, जो कि क्रेनियल नर्व से इनर्वेटेड है, मतलब क्रेनियल नर्व से इनका कनेक्शन है इस इलेक्ट्रिक ऑर्गन का, ठीक है बेटा। तो ये पूरा आपको याद रखना है ऐसे, ये फिशेज हैं कुछ एक, ये डायग्राम बनाने हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, ठीक है।